नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, आपकी आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 1 लाख का इनामी हरेंद्र मसीह झांसी से गिरफ्तार। 1,000 करोड़ रुपए की नजूल संपत्ति से जुड़ा है मामला। 1 लाख के इनामी और सिविल लाइन स्थित 1,000 करोड़ की नजूल की जमीन कब्जाने के मामले में मुख्य आरोपी हरेंद्र मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे झांसी की नवाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाल ही में नवाबाद थाने में हरेंद्र मसीह पर रंगदारी मांगने वाले मामले में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल लाइन स्थित मैरी एंड मैरी मैन स्कूल की 1,000 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन पर कब्जाने को लेकर 28 जुलाई 2024 को जमकर बवाल हुआ था, जिसमें लेखपाल की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में इस जमीन को नजूल की भूमि बताते हुए 13 लोगों को नामजद किया गया था। प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित के अलावा इस खेल में हरेंद्र मसीह शामिल था, जिसे मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा था। मामले में 11 लोगों को भेजा जा चुका है जेल। इस मामले में अब तक 11 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि एडवोकेट जितेंद्र शुक्ला को अग्रिम जमानत मिली हुई है। अकेला हरेंद्र मसीह फरार था, जिस पर एक दिन पहले ही 1 लाख रुपए का इनाम किया गया था। वहीं झांसी के नवाबाद थाने में 2 दिन पूर्व झांसी के डोकलबाग स्थित क्रिश्चियन अस्पताल की महिला कर्मचारी ने हरेंद्र, उसकी पत्नी संगीता मसीह और प्रकाश राज के खिलाफ 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। कोतवाली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हरेंद्र को नवाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। सोमवार को पुलिस उसे अदालत में पेश कर सकती है। हरेंद्र पर 20 मुकदमे हरेंद्र के खिलाफ इस समय 20 मुकदमे दर्ज हैं। मसीह के खिलाफ कानपुर में 4, झांसी में 14 और फतेहपुर में 2 अभियोग पंजीकृत है। वह झांसी में अपने खिलाफ चल रहे विभिन्न वादों में वांछित है और झांसी न्यायालय की ओर से उनके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया है। शैमुल गुरुदेव की पत्नी से हुई थी अभद्रता। पुलिस ने जमीन प्रकरण में 2 दिन पहले जो चार्जशीट अदालत में दाखिल की है, उसमें आरोप लगाया गया कि अवनीश और उनके गिरोह के लोगों से शैमुअल गुरुदेव की पत्नी से अभद्रता की गई है। चार्जशीट में बम्बा रोड गुमटी निवासी प्राइवेट अकाउंटेंट मीनाक्षी लॉरेंस के बयान दर्ज किए गए। मीनाक्षी शैमुअल गुरुदेव सिंह की पत्नी की दोस्त है। उनके मुताबिक शैमुअल गुरुदेव इस संपत्ति की देखभाल कर रहे थे। अवनीश दीक्षित और उनके लोगों ने परिसर में कब्जा करने की कोशिश की थी। सीसीटीवी कैमरे का DBR कब्जे में लेकर गार्ड संजय को बंधक बना लिया, तोड़फोड़ की। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज, आपकी आवाज़।